देखो सीओसी के इंटरेस्टिंग एपिसोड में आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम आज बात करने जा रहे हैं सुपर सेल आईडी के बारे में। ये मेरी सेकंड वीडियो होने वाली है सुपर सेल आईडी पर, क्योंकि काफी लोगों को काफी प्रॉब्लम फेस करने को पड़ रही है सुपर सेल आईडी में। तो मैं आज आपको एक एक छोटी छोटी जो डिटेल्स है सुपर सेल आईडी के बारे में वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे सेफ एंड रह सकते हैं, कैसे आप बिल्कुल सेफ रह सकते हैं सुपर सेल आईडी के अंदर उसको यूज करने में। तो चलिए बिना टाइम गवाए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस सुपर सेल आईडी जो अभी सुपर सेल के द्वारा निकाला गया है, इसमें कुछ एक प्रॉब्लम है जो मैंने भी फेस करी है, मेरे को भी लगा है कि ये प्रॉब्लम है। इसको अगर सुपर सेल फिक्स कर लेता है तो ठीक है। जैसे कि अगर आप अपनी सुपर सेल आईडी अपने किसी फ्रेंड के मोबाइल में लॉगिन करवा लेते हो, फिर फ्रेंड आपको वो वापस नहीं देता, फ्रेंड मना कर देता है कि मैं नहीं दूंगा, आप उसको लॉग आउट कुछ भी कर नहीं कर सकते, आपके पास भले पासवर्ड हो कुछ भी हो, फिर भी आप उस अकाउंट को लॉग आउट यहाँ पर नहीं कर पाओगे। तो ये मेरे को बहुत बड़ा इश्यू लगता है कि आप किसी को आईडी दो दिन वो वापस ना करे तो आप बिल्कुल भी आप कुछ कर ही नहीं सकते। यहाँ पर आपका वो अकाउंट कुछ भी नहीं, आपका वो अकाउंट वो प्ले करेगा, वो आपके अकाउंट के साथ फिर कुछ भी कर सकता है, भले वो जेम्स कम करे, ट्रॉफी ड्रॉप करे। सो इससे सेफ रहने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आप अपनी सुपर सेल आईडी किसी और के मोबाइल में लॉगिन ना करवाए, भले वो आपका भाई हो, फ्रेंड हो, कितना ही फ्रेंड हो, आप बिल्कुल भी मत कराए। अगर आपकी अभी फ्रेंडशिप अच्छी है देन बात का कुछ कह नहीं सकते, लाइफ है कुछ भी हो सकता है, तो वो आपके अकाउंट के साथ फिर कुछ भी कर सकता है। तो आपकी मेहनत है, अगर आपका बड़ा टाउन हो ले तो आपको पता होगा कितनी मेहनत लगती है सीओसी में ग्रो करने में, टाइम लगता है, दो दो तीन तीन साल तक टाउन हॉल टाइम पर ही पहुंच पाते। तो गाइस ये ज्यादा बड़ी मेहनत होती है, तो अपना अकाउंट आप किसी के साथ शेयर ना करेंगे तो आप काफी सेफ रह सकते हैं। देन एक मैंने वीडियो बनाई थी सुपर सेल आईडी हैकिंग के बारे में, जो कि काफी कुछ चल रहा था, सुपर सेल आईडी आपकी फ्रॉड की जा रही थी, आपको उसके बारे में पता भी नहीं होता था। अगर आपने अभी तक भी वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में वीडियो मिल जाएगी एंड वीडियो के एंडिंग में आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी, तो जोर से वो वीडियो वॉच करिएगा, उसमें भी काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है सुपर सेल आईडी के बारे में। अगर आप अभी तक सुपर सेल आईडी से कनेक्ट नहीं किए हैं और आप अभी भी गूगल प्ले से प्ले कर रहे हो गेम को, तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो फिर आपकी सुपर सेल आईडी कोई हैक नहीं कर सकता, आपका अकाउंट कोई हैक नहीं कर सकता। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो हो सकता है आपका अकाउंट यहाँ पर हैक हो जाए, जो गूगल प्ले से कनेक्टेड है वो इस वीडियो को जोर से देख लेना, आई बटन में भी एंड वीडियो के एंडिंग में मिल जाएगी। चलिए अब दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं सुपर सेल आईडी। तो गाइस सुपर सेल आईडी के मैं ये यूट्यूबर्स के लिए बता रहा हूँ ये वाला पॉइंट, जो नए नए यूट्यूबर होते हैं क्लैश ऑफ क्लैन के, अभी काफी कम्युनिटी ग्रो कर रही है क्लैश ऑफ क्लैन की, तो गाइस उनको यूट्यूबर्स को ये नहीं पता होता कि वो अपनी सुपर सेल आईडी को सेव कैसे करें। वो क्या करते हैं, अपनी ईमेल को दिखा देते, पब्लिक कर देते, कभी भी अकाउंट स्विच करते वो यूट्यूबिंग करते हुए लाइव स्ट्रीम में। तो गाइस उसका कुछ शातिर हैकर या फ्रॉड करने वाले क्या करते, गाइस वो उस ईमेल का जाकर लॉगिन करते, जो उसका ओटीपी आता है वो कई बार नोटिफिकेशन स्क्रीन पर शो हो जाता है, तो वो अपने मोबाइल में उसको लॉगिन कर लेते, देन वो इजी टू यूज आपका अकाउंट कर पाते, क्योंकि आपकी उसमें एक गलती रहती है, आपने अपनी DND सर्विस या फिर साइलेंट मोड वो एक्टिवेट नहीं किया होता। जैसे MI का मोबाइल है तो मैं आपको इस वाले मोबाइल में करके दिखाता हूँ, आप जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पे DND ये वाला एक ऑप्शन मिलेगा, अगर आप इसको एक्टिवेट कर लेते हो तो कोई भी नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर फिर शो नहीं हो सकते। तो आप जरूर से जब भी लाइव स्ट्रीम करो, वीडियो रिकॉर्ड करो, तो DND को एक्टिवेट रखना ना भूले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक होता है। अभी जो न्यू यूट्यूबर है वो इस पर ध्यान नहीं देते, तो उनके अकाउंट कई बार स्कैम कर लिए जाते हैं इसी टेक्निक से, इसकी तरह से अगर वो फॉरगेट पासवर्ड कर लेता है तो भी कई बार आपका अकाउंट यहाँ पर चला जाता है, कई बार तो पासवर्ड ही बदल देता है। तो गाइस यहाँ पर जो भी न्यू यूट्यूबर हो वो इस वाले टॉपिक को याद रखे, हमेशा DND एक्टिवेट कर ही अपनी वीडियो या लाइव स्ट्रीम रिकॉर्ड करे, तो आप काफी सेफ एंड रह सकते हो। और गाइस गूगल प्ले पर कनेक्टेड हो तब आपको ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, बस DND एक्टिवेट रखना है एंड आई बटन वाली वीडियो जोर से देखना। तो ये कुछ एक दो टॉपिक मैंने आपको बताया, ये जो सुपर सेल आईडी के मेरे को लगे कि मेरे को बताने चाहिए। आप बताओ अगर आप में से किसी को अभी भी नहीं आता सुपर सेल आईडी से कैसे कनेक्ट किया जाए, तो उसकी वीडियो मेरे को बनानी हो तो आई बटन में मैंने एक पोल क्रिएट करा है, यस और नो में जवाब दे देना। अगर आपको अभी सीखना है सुपर सेल आईडी को कैसे कनेक्ट करें तो आई बटन में यस पर क्लिक कर देना, अगर नहीं आता है तो नो पे कर सकते हो। अगर मेरे को लगेगा उस वीडियो को बनाना चाहिए तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा, वरना मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा और सुपर सेल आईडी पर। तो ये जो छोटी छोटी बातें इनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका अकाउंट बिल्कुल सेफ सिक्योर रह पाएगा, क्लैश ऑफ क्लैन में आपका अकाउंट कोई नहीं ले पाएगा। तो गाइस अपना अकाउंट है, अपन को इसकी देखरेख करनी है, तो थोड़ा
संभल कर ही यहाँ पर अपने अकाउंट को, ईमेल को यहाँ पर हाइड रखिएगा, ईमेल किसी को भी मत दिखाइएगा अपने अकाउंट्स की, क्योंकि फिर वो कुछ ना कुछ तरीके निकाल लेते हैं आपकी ईमेल तक पहुँचने के, जिससे आपकी ईमेल यहाँ पर खतरे में आ जाती है, जिससे आपका अकाउंट हैक हो सकते है। तो गाइस जरूर से कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको इसमें से कुछ भी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूँ डेली बेसिस पर, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। बाय बाय।